सर्दियों का मौसम आते ही हमको बाजार में हरे हरे सिंगाड़े देखने को मिलते हैं, जिसको हम बड़ी खुशी खुशी से कच्चे खा लेते हैं या उबाल के खाते हैं। कुछ लोग इसको भून के भी खाते हैं। ये सिंगाड़ा पानी में पैदा होता है, इसकी खेती पानी में, और ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है, हमारे शरीर की कई प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल में करता है। अब हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, सिट्रिक एसिड, फास्फोरस, मैग्नीशिया, थायमिन, फाइबर, सोडियम, आयोडीन से भरपूर होता है। इतना सारे मिनरल्स और विटामिन इस सिंगाड़े में पाए जाते हैं, और ये हमारी कई प्रकार की बीमारियों का इलाज भी करता है। जैसे हमारी दर्द बॉडी के अंदर, कहीं सूजन हो, हड्डियां कमजोर हो जाए, दांत में दर्द रहता हो, आंखों में प्रॉब्लम हो, एड़ी फटी हो अगर हो, प्रेगनेंसी में, बुढ़ापे में, छोटे बच्चों में, टीबी, इन सब प्रकार की बीमारियों में ये लाभदायक है। इसको हम खाते हैं, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। सर्दियों में कई प्रकार की बीमारियां जो हमारे शरीर से होती हैं, उससे लाभ भी लेते हैं। आज हम इतने सारे गुणकारी और स्वास्थ्यकारी सिंगाड़े की रसेदार या तरीदार सब्जी को बनाने की विधि जान रहे हैं। अगर हम उसकी सब्जी बनाएं तो भी हम उसको घर में रोटी, परोठे, चावल, पुलाव के साथ खा सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए उसका विवरण बता रहे हैं। आधा किलो के करीब सिंगाड़े, दो टमाटर, चार हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा, अगर लहसुन खाते हैं तो चार या पांच कलियां लहसुन की, एक प्याज, धनिया हरा। इसके अलावा मसाले जो हैं वो जीरा आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, धनिया आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच, नमक स्वादानुसार और कुकिंग ऑयल जो भी आप अपने घर में प्रयोग करते हैं उसकी 3 चम्मच और बेसन 2 चम्मच। प्रेशर कुकर में सिंगाड़े को धोके और 1 कप पानी डाल के, या जरूरत पड़े तो 2 कप पानी डाल के उसको गैस पे चढ़ा दें। जब वो 1 सीटी मारे उसके बाद उसको सिम पे कर दें, मीडियम पेस पे कर दें, और उसपे 2 सीटी जब बज जाए तो उसको बंद कर दें। जब तक वो ये कुकर में सिंगाड़ा गलता है उतनी देर में हम टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च और प्याज को काट के इसकी पेस्ट बना लें। अब कढ़ाई में कुकिंग ऑयल 3 चम्मच डाल के थोड़ा जीरा डालें, थोड़ी सी हींग डालें चुटकी भर, और इस पेस्ट को उसमें भून दें। तब तक हमारा सिंगाड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके छिलके उतार लें, अगर जरूरत पड़े तो उसको आधा बीच बीच में से काट के आधे आधे 2 टुकड़े कर लें, और उसको कढ़ाई में डाल के मिक्स कर लें। जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसमें ये जो मसाले हैं, हल्दी, धनिया, टमाटर की पेस्ट, लाल मिर्च, नमक स्वादानुसार मिला के डाल के सबको अच्छी तरह से मिला लें। जरूरत पड़े रसेदार बनानी है, क्योंकि हमको जितना रसा बनाना हो उसके हिसाब से उतना पानी उसमें डाल लें और उसको अच्छी तरह से पका लें। इसमें थोड़ी सी खटाई डाल देने से, जिसको अमचूर भी कहते हैं, वो बहुत टेस्टी बन जाएगा। आप अमचूर भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप इमली के भी लेप इसमें डाल सकते हैं जिसमें खटास आ जाए। ये एक रसेदार, टेस्टी, पौष्टिक, सर्दियों में स्वास्थ्य देने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक सब्जी है। इसको हम रोटी, परांठी, चावल और पुलाव के साथ घर में परिवार सहित बड़े टेस्ट में खा सकते। इससे हम चुस्त दुरुस्त रहेंगे, कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। इसको इंग्लिश में वाटर चेस्ट नट भी कहते हैं। वाटर चेस्ट नट सिंगाड़े की रसेदार सब्जी, ये हमारी रेसिपी है। आप एक बार इसको टेस्ट करके घर में योग करें, खाएं, और स्वादिष्ट लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, और वीडियो अगर हमारे आपको अच्छी लगे लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद।